हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित वर्मा है। इससे पहले आप मुझे और बहुत सारी वीडियो में देख चुके हैं जो मैंने एमपीबी करप्शन एंड ओवर बिलिंग के ऊपर बनाई है। आज की वीडियो में आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग केस बताने वाला हूँ जो मेरे ही एरिया का है, जो एमपीबी गुमास्ता नगर जोन लगता है। यहाँ पर एक देखेंगे कि सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँगा कि ये जो बिल है उमा महेंद्र शर्मा के नाम से, ये एक 500 स्क्वायर फीट का मकान जिसमें 3 कमरे हैं और इसका जो बिल है 30,999, मतलब 31,000 रुपये का ये बिल आया है। इसमें भी वही गड़बड़ी है कि एक ही महीने के अंदर इकट्ठी रीडिंग भेज दी गई है। देखिए, ये जो नवंबर महीना है इसमें 3147 रीडिंग का मतलब जो है बिल भेजा है, और उसके पहले आप देखेंगे जुलाई महीने में 35 है, अगस्त महीने में 33 है, सितंबर महीने में 21 है, अक्टूबर में 45 है, और नवंबर महीने में 3147 रीडिंग इन्होंने भेज दी। उसके बाद फिर दिसंबर महीने में 150 रीडिंग का जो है बिल इनको भेजा है। अब ये जो अमाउंट, जो यूनिट 3147 सही है, इसी का बिल है जो ये पिछले महीने 24,929 रुपये का जो ड्यू आ रहा है, और इस महीने के सब मिला करके 31,999 का इन्होंने जो है बिल भेजा है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें जिस घर के अंदर 30, 35, 21, 45 रीडिंग अगर बन रही है महीने की, तो एक महीने के अंदर 3147 कैसे बन सकती है? ये किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। अमान्य बिल है। एमपीबी ऐसे हज़ारों बिल कंज्यूमरों को पहुंचा रही है, इनके जितने भी एम्प्लॉय जो है काम नहीं करते हैं, और उसकी सज़ा आम आदमी को भुगतना पड़ती है। अब मैं आपको एक और चीज़ कॉमन बताता हूँ इसके अंदर। ये गुमास्ता नगर जोन के हैं और इसके अंदर जो है ये जो मिस्टर पवन पाटीदार कनिष्ठ अभियंता और मिस्टर राकेश उपाध्याय सहायक अभियंता जो एई हैं और जेई हैं, ये मेरे एरिए का ही मेरे एरिए में आता है, और ज़्यादातर जो बिल मैंने आपको जितने ही बताए हैं उनमें इन दोनों के नाम आते हैं। क्योंकि जितने भी बिल जो हो रहे हैं, ऐसे जितने भी घपले हो रहे हैं, ऐसा किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है कि इस बारे में इनको पता नहीं है। और अगर इस तरह से बिल लोगों को आ रहे हैं तो इसमें गलती किसकी है? इसमें अगर आप इन लोगों से बात करेंगे तो इनकी कहीं भी ये अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे कि ये बिल हमारे एम्प्लॉयज़ की गलती से आ रहे हैं। इसमें हजारों लाखों लोग परेशान हैं, इससे इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ लोगों को परेशान करना जानते हैं। अभी जो ये बंदे हैं जिनका ये बिल मेरे पास आया है, इनके साथ भी इन्होंने मिसबिहेव किया है। जब इन्होंने अपने अकाउंट से रिलेटेड जानकारी मांगी कि हमें स्टेटमेंट चाहिए या हमें जो आपने लोड चेक किया था, इन्होंने भी सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेंट करी थी, तो उसकी रिपोर्ट जब इनसे मांगी तो उन्होंने बदतमीजी से बात करी। उसकी रिकॉर्डिंग भी मैं आपको वीडियो के अंत में इसमें जो है सुनाऊंगा। ऐसे कितने ही गड़बड़ी वाले बिल जो हैं गुमास्ता नगर एमपीबी जोन के आए हैं, जिसमें जो एई मिस्टर राकेश उपाध्याय और जेई जो मिस्टर पवन पाटीदार हैं। ज़्यादातर केस ये इसी एरिए के हैं और हर 10 घर में से 5 से 7 घरों में इस तरह की प्रॉब्लम्स है। आगे मैं और इस तरह की वीडियो और इस तरह के बिल जो है मैं शेयर करूंगा, जिससे लोगों को जागरूक होकर किस तरह से एमपीबी लोगों को परेशान करने का काम करती है। जो बिल मैंने अभी आपको बताया, इसमें के मेरे पास 50 से 60 और बिल हैं जो 30-40 हज़ार, 50 हज़ार से लेकर 70 हज़ार रुपये तक के बिल हैं। अब हर बिल के लिए मैं वीडियो तो नहीं बना सकता हूँ, इसलिए मैं एमपीबी के जितने भी ओवर बिलिंग और जो घपले वाले बिल हैं उसके ऊपर पूरी एक सीरीज़ वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं एक ही वीडियो के अंदर आपको बहुत सारे बिल एक साथ दिखाऊंगा कि किस तरह से एमपीबी जो है लोगों को इतने बड़े बड़े बिल पहुँचा कर परेशान करती है, जिसमें कि उपभोक्ता की कोई गलती नहीं होती। ये सारी गलती एमपीबी के एम्प्लॉयज़ की है, जिसकी वजह से आम उपभोक्ता, आम जनता को परेशान होना पड़ता है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव यही है कि जैसे मैं परेशान हुआ था, ऐसे बाकी कोई परेशान ना हो। और इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि लोगों को इससे जागरूक हो रहे, ताकि आगे चल के कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।